सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो पिछला अपडेट आया हुआ है 20.3.2, तो जब से ये अपडेट आया है तब से आंगनवाड़ी सेविका बहनों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि वो पोषण ट्रैकर ऐप पे अदर कोई काम नहीं कर पा रही हैं। पोषण ट्रैकर ऐप जैसे ही आप लोग ओपन कर रही होंगी तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप ओपन कर रही होंगी तो आप लोगों को माई प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है वो खुल के आ जा रहा होगा, चाहे वो सेविका हो या सहायिका हो। अगर दोनों में से किसी एक का भी माई प्रोफाइल जो अपडेट नहीं है, उनके सामने इस प्रकार से ये प्रॉब्लम खुल के आ जा रही है, तो वो पोषण ट्रैकर ऐप में अदर कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के द्वारा काफ़ी सारा कमेंट किया गया है कि मान लीजिए किसी आंगनबाड़ी केंद्र पे हेल्पर नहीं है तो उनका हम लोग प्रोफाइल अपडेट कैसे करें, और यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट कर भी दे रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन टिक का जो सिग्नल है वो नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पर अदर कोई काम नहीं कर पा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 100% सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को बिना माय प्रोफाइल अपडेट किए आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में अदर कोई काम कर सकती हैं। जैसे डेली ट्रैकिंग हुआ, होम विजिट हुआ, वो सारा काम आप लोग यहां पे माय प्रोफाइल को बिना अपडेट किए ही कर सकती हैं, और आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसका 100% इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अदर आंगनबाड़ी बहनों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे जैसे ही ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे माय प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे खुल के आ जा रहा होगा। कुछ आंगनबाड़ी सेविका बहनों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपना यहाँ पे आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ सही डाल दे रही हैं। उनके पास मैसेज भी आ जा रहा है कि आपका जो प्रोफाइल अपडेट है वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है, फिर भी जब वो लोग लॉगिन कर रही हैं तो उनका जो अदर काम है पोषण ट्रैकर ऐप पे वो नहीं हो पा रहा है। और जिन आंगनबाड़ी केंद्र पे सहायिका नहीं है, जैसे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पे भी सहायिका नहीं होती हैं, तो उनको भी यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों को करना क्या है कि सीधे आप लोगों को यहाँ पर जो स्विच वाला बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहा हूँ वैसा आप लोग कीजिएगा तो आपका 100% यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप वर्क करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप को लॉग आउट कर लीजिएगा। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर और एमपिन यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और एमपिन फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक कर देनी है। लॉगिन जैसे ही आप लोग करेंगे उसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि लॉगिन करने के बाद तुरंत आपको अपना जो नेट है उसको ऑफ कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही यहाँ पर हम नेट को ऑफ करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप है वो यहाँ पर ऑफलाइन मोड में काम करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप जो है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, और अदर काम आप लोग यहां से कर सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पोषण ट्रैकर ऐप को लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है, और पोषण ट्रैकर ऐप पे जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे नेट को ऑफ कर देना है। नेट ऑफ करने के बाद आपका जो प्रोफाइल अपडेट वाला जो ऑप्शन है वो बार बार खुल के आ जा रहा था, वो यहाँ पर खुल के नहीं आएगा, और आप पोषण ट्रैकर ऐप में अदर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से फिर से अपने नेट को ऑन करके यहाँ पर बाकी जो काम है आप लोग यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोगों के सामने ही ये सारा कुछ खुल के आ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे अपना वर्क कर सकती हैं, डेली ट्रैकिंग वगैरह जो भी आप लोग यहाँ पे करती हैं, अपना अटेंडेंस वगैरह यहाँ पे आसानी से बना सकती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल अपडेट आप लोग जब यहाँ पे फिर से न्यू अपडेट आती है तो यहाँ पे आप लोग अपना प्रोफाइल अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है, आप लोगों को प्रोफाइल अपडेट करना 100% जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जिन आंगनबाड़ी सेविका बहनों के पास सहायिका नहीं है, उनका पद रिक्त है, या मिनी आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं उनको भी इस प्रकार से जो प्रॉब्लम आ रही थी अब उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में आप लोगों को यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट सहायिका का भी कर लेना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपडेट आने तक आप लोग इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप पर वर्क कर सकती हैं। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी किस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप पे जो वर्क नहीं हो पा रहा है वो हम लोग कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को और भी आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।